नमस्कार, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। मैं हूं स्नेहलता। आज शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो आपको आगाह करेगा और अलर्ट भी। सवाल ये है, क्या आप भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, यूजर हैं आप? क्या आप फेसबुक जैसे सोशल साइट पर फ्रेंडशिप यानी दोस्ती कबूल करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला हर शख्स दोस्त ही निकले, ये सही नहीं है। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर आपसे दोस्ती करे, आपको लुभावनी ऑफर्स दे और करे आपके साथ गलत काम। यकीन नहीं होता तो अयोध्या से आई इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं और सोशल मीडिया के इस एप्लीकेशन पर दोस्त बनाना आपका शौक है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि फेसबुक पर आपको दोस्ती का प्रस्ताव भेजने वाला शख्स आपका दोस्त ही हो। फेसबुक पर दोस्ती और दोस्ती के बाद आगे बढ़ने वाले रिश्तों को आगाह करने वाली है यूपी के अयोध्या से आई ये सन्न कर देने वाली खबर। क्योंकि फेसबुक पर बैठे हैं ऐसे जालसाज जो पहले आपको अपना दोस्त बनाएंगे, फिर लुभावनी बातों से आपका दिल जीतेंगे, उसके बाद फेंकेंगे एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर आप सब कुछ गंवा बैठेंगे। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स को देखिए, यही वो शख्स है जिसने फेसबुक के जरिए एक महिला को अपना दोस्त बनाकर किया है गलत काम, फेसबुक फ्रेंड के साथ गलत काम। चेहरे से बेहद मासूम दिखने वाले शख्स की करतूत की कहानी का पर्दाफाश हुआ तो सबके होश उड़ गए। सामने आया चेहरे की मासूमियत के पीछे छिपा हैवान, जिसने किया था एक लड़की की अस्मत से खिलवाड़, फेसबुक के जरिए फैलाया था अपनी ठगी का जाल। पहले फेसबुक पर बनाई दोस्ती, शिवम शर्मा नाम के इस शख्स पर आरोप है एक लड़की को झांसा देकर उसके साथ बलात्कार को अंजाम देने का। आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर शिवम ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात है वो दोस्ती जो फेसबुक के जरिए परवान चढ़ी थी और उसका अंजाम इतना खौफनाक हुआ। फिर दिया नौकरी का झांसा। दावा है कि लखीमपुर खीरी के रहने वाले इस शिवम शर्मा ने अयोध्या के फैजाबाद शहर की रहने वाली एक युवती से दोस्ती की। फेसबुक पर चैटिंग के दौरान लखीमपुर खीरी के युवक शिवम शर्मा ने पहले नौकरी या फिर साथ में बिजनेस करने का झांसा देकर युवती को दोस्त बना लिया। देखिए, ये शिवम शर्मा है जो कि लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला है। ये हमारे यहाँ वांछित था और इस पे 15,000 का इनाम भी था। ये एक घटना इसने कारित की थी हमारे यहाँ 3 जनवरी को, जिसमें यहाँ की अयोध्या शहर की लड़की जो यहाँ पे रहने वाली है उसको जो है इसने फेसबुक के माध्यम से चैटिंग करके उसको झांसा दिया कि मैं तुम्हारी अच्छी कंपनी में नौकरी लगवाऊंगा, अच्छा बिजनेस करेंगे हम लोग मिल करके। इस तरह के कुछ लुभावनी बातें करके इसको यहाँ पे फेसबुक के चैटिंग के माध्यम से इसको अपने झांसे में लिया। फेसबुक पर दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी कि युवक लखीमपुर खीरी से चलकर अयोध्या पहुंच गया। आरोप है कि एक गेस्ट हाउस में युवती को ले जाकर उसने पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, युवक ने उस दौरान उसका वीडियो और फोटो भी खींचे। युवती ने जब बिजनेस की बात आगे बढ़ाने को कहा तो दोनों में खटपट हो गई और फिर युवक ने उसका वीडियो और फोटो फेसबुक पर वायरल कर दिए। यहाँ के शहर के एक होटल में ले जाकर के उसके साथ इसने गलत काम किया और उस गलत काम के बदले इसने उसकी फोटो और वीडियो भी बनाई और उसको जो है फेसबुक के माध्यम से प्रसारित भी करने लगा, जिसकी सूचना उस लड़की को मिली तो वो बहुत परेशान हुई और उसके बाद उसने आके कोतवाली नगर में मुकदमा लिखाया। उस मुकदमे के तहत इसको काफ़ी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी, कई जगह पर इसके ठिकानों पर दबिश भी दी गई, लेकिन ये फरार रहा, ये भागता रहा छुप छुप कर। हमारी टीम इसको फिर आज जो है सुबह करीब 9:30 बजे ये रोडवेज के बस से कहीं लखनऊ की तरफ जाने के फिराक में था, तो जिस पे मुखबिर की सूचना पर इसको जो है गिरफ्तार किया गया। धोखा खाई युवती ने 3 जनवरी को फेसबुक के दोस्त शिवम शर्मा के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त शिवम शर्मा को अयोध्या रोडवेज के पास से गिरफ्तार किया है। इस वारदात से एक बात तो साफ है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती खतरनाक भी साबित हो सकती है, इसीलिए हम आपको आगाह करेंगे कि फेसबुक पर अनजाने दोस्त बनाने से पहले अलर्ट रहें, हो सके तो अनजान दोस्तों के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करें।
बिना पहचान किसी से दोस्ती ना करें, क्योंकि फेसबुक की हर रिक्वेस्ट आपके अच्छे दोस्त की नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रयागराज के आमिर हत्याकांड की, जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। इसकी वजह है कि कातिल का कबूलनामा, जिसमें उसकी सामने जो सनक है वो खुलकर आ गई। हुआ ये है कि आमिर हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो 8 सालों का वो रिश्ता एक गुनाह में तब्दील हो गया और इरशाद आमिर का कातिल साबित हुआ। कैसी है ये कहानी, देखिए आप भी। हमने जो है मारा उसकी मम्मी के वजह से, उसकी मम्मी से मेरा जो है 8 साल से अफायर है। सनकी आशिक का कबूलनामा, ये कबूलनामा है उस आशिक का जिसने अपनी सनक में आमिर हत्याकांड को अंजाम दिया। यही है वो सनकी आशिक जिसने आमिर का बेरहमी से कत्ल कर कर्नलगंज इलाके में सनसनी फैलाई। आमिर हत्याकांड में खुलासा, तो वो लाइट की समय दूसरे से कनेक्ट हो गई, अपने बेटे को लगा दिया। बेटा 4-5 दिन से आके रोज गाली बकरा है, रोज गाली बकरा है घर पे चल के, बकरे काटने वाली छुरी से। आमिर की माँ से इश्क करने वाले इरशाद के सिर पर ऐसी सनक सवार हुई कि वो सब कुछ भूल बैठा। अचानक उसे अपना प्यार धोखेबाज लगने लगा और वो देखते ही देखते कातिल बन गया। अपनी सनक में इरशाद ने कर डाला एक बड़ा गुनाह। माँ का आशिक निकला कातिल। अब आप जो है बेटी के साथ में हत्या कर दिया है, अब क्या लग रहा है आपको कि आपने गलत किया, सही किया, पछतावा है आपको? बेटे को मारा, पछताना हुआ है, लेकिन वो बच गई ये हमको अच्छा नहीं लगा। एक के सजा वो कर रही है, दूसरा के आराम से फिर वही करेगी वो, उसका तो वही है, एक को पकड़ दूसरा जो पैसा देता उसी पास होता है। प्रयागराज में शनिवार रात धारदार हथियार से काट कर आमिर की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की मां के प्रेमी को गिरफ्तार कर आलाय कत्ल बरामद किया है। आमिर हत्याकांड में जब तफ्तीश शुरू हुई तो एक के बाद एक सनसनी खेज खुलासे हुए। पुलिस ने मृतक आमिर की मां के प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या किए जाने का गुनाह कबूल किया। एक बार इसका लड़का जेल हो आया ना, तो कल जो है कट्टा उट्टा दिखा के कह रहा था जो है हम जेल हो आए हैं, मार डलवाए या कट्टा खोसे है या हुआ यही है, दरवाजे पे कर रहा था भाई, हमने अपनी हिफाजत के लिए ले गए, लेकिन वो फायर चलाया, हमने भी हाथ चलाया, लग गई तो अब कोई जानबूझ से नहीं किया था। क्या आपके कितने बच्चे? बच्चे को नहीं है, इसी के वजह से मेरे घर वाले रोटी नहीं दे रहे हैं, बोले इतना पैसा कमाते तेरा पैसा जात कहाँ है, सब इसी को देते थे। आरोपी इरशाद के कबूलनामे में हुए खुलासे ने सबको सन्न कर दिया। इरशाद की माने तो उसका संबंध आमिर की मां से 8 सालों से था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसका किसी और से संबंध होने के बाद दोनों के बीच दरार शुरू हुई और इसकी खबर आमिर तक पहुंची। आरोपी का कहना है कि आमिर पिछले कई दिनों से उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर आमिर की धारदार चाकू से काट कर हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था। इसमें आमिर नाम के एक नवयुवक को चाकुओं से गोद करके सादियाबाद इलाके के झाड़ी इलाके में जो जंगल वाला एरिया है वहाँ इसकी डेड बॉडी मिली थी। शुरू में इसकी शिनाख्त नहीं हुई थी, फोर्स के पहुँचने के बाद इसकी शिनाख्त हुई थी, और इसमें जो आरोपी है इरशाद वो उसी मोहल्ले का रहने वाला है जिसके इससे पारिवारिक संबंध थे और इरशाद का आना जाना था। आमिर को ऐसा लगता था कि ये इसके घर में, चूँकि इसके बहनें हैं और इसकी माँ हैं, इसलिए ये आने जाने से प्रतिवाद करता था, और इसी बात को लेकर के दोनों में आपस में विवाद हुआ, जिसके कारण इरशाद ने इसको चाकू से मार करके और मर्डर कर दिया था। हम लोगों ने इसको सुबह ही इरशाद को पकड़ लिया था, ये काफ़ी भागने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने इसे ट्रेस कर लिया था सारी। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हत्यारे इरशाद को अपने गुनाह का पछतावा है, लेकिन शायद उसे नहीं पता कि वो अपनी सनक में कितना बड़ा गुनाह कर बैठा है। आरिफ, प्रयागराज, एबीपी गंगा।
अब जरा सोचिए कि आप सड़क से गुजर रहे हो और वहीं आपको दिखाई दे खून से सनी हुई एक लाश, होश तोड़ जाएंगे। और यही हुआ बिजनौर के चांदपुर के रहने वाले सिंहराज सिंह की लाश को देखकर। रागीर सन रह गए दिल दहलाने वाले मंजर को देखकर। बिजनौर के जंगलों में खून से लथपथ इस लाश के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अरे मेरा बड़ा जीवन दुखी कर दिया, इन्हें मेरा बुढ़ापा। बिजनौर के जंगलों में खून से मिला शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बीचों बीच जंगल में मिली सिंहराज की लाश ने देखते ही देखते पूरे चांदपुर इलाके में सनसनी फैला दी। दिल दहला देने वाली वारदात। इस सड़क से गुजर रहे राहगीरों की नजर जब इस लाश पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। दिन दहाड़े मिली लाश को देखते ही सब सन्न हो गए। फौरन आनंद फानन में पुलिस को बुलाया गया। जंगल में मिला युवक का शव। चांदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के रहने वाले सिंहराज की लाश चांदपुर सड़क के किनारे एक जंगल में लहूलुहान हालत में मिली। लाश पर बेरहमी से वार किए गए थे, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि किसी न किसी ने सिंहराज को साजिशन मौत के घाट उतारा था। इस सुनसान जंगल में सिंहराज क्यों गया था या फिर सिंहराज को किसी ने बुलाया था, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सिंहराज के कत्ल की वारदात की खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जुटनी शुरू हुई। इस बारे में जब उसकी मां को पता चला तो उनकी हालत और बुरी थी। बेटे की मौत का सदमा मां बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। उसे पता है कि उसके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यही वजह है कि एक मां के लिए ये वक्त किसी सदमे से कम नहीं। मुझे तो 9 बजे पता चला हमारे घर से ये गए, बताना नहीं मुझे तो नहीं पता ना, हम अलग अलग रहे, मैं घर हमारे अलग है। पहले इन्हें लड़ाई करी मेरे इसके ससुरालियों ने, तो मेरा लड़का ही ले गया अपने साथ 9 महीने पहले। अच्छा। सिंहराज की चाकू और धारदार हथियार से हमला कर बेरहमी से हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कातिल सलाखों के पीछे होंगे और सामने आएगी सिंहराज हत्याकांड की हकीकत। रोड पर बागड़पुर गांव के पास रोड पे ही एक बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। मौके पहुंच के शिनाख्त कराई गई तो सिंहराज पुत्र सुखेश सिंह जी के रूप में पहचान उसकी हुई, जिसकी PM कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अज्ञात बदमाशों की इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। हर शख्स यहां खौफ ज़दा है। वहीं पुलिस को तलाश है उन हथियारों की जो दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब कानून के हाथ उन कातिलों के गिरेबान तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अच्छा, एक बात तो है, अगर खाकी अपने पर उतर आए तो अपराधियों के लिए काल बनते वो देर नहीं लगती। अपनी खैर मनाना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा सूबा गूंज रहा है। एक के बाद एक शातिरों का नाम लीजिए, वो सलाखों के पीछे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, अपराधियों का काल बनी खाकी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने का पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कानपुर में रविवार रात पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में शातिर अपराधी सोनू से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से बिठूर इलाका गूंज उठा। कानपुर में शातिर सोनू गिरफ्तार। बिठूर थाना पुलिस ने रविवार देर रात मुखबिर की खबर पर वांछित चल रहे सोनू शुक्ला उर्फ सोम शुक्ला को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि देर रात उसे चोरी के माल की बरामदगी के लिए वो लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में सोनू ने पुलिस कर्मी की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो गोली सोनू के पैर में लगी, जिसके बाद वो घायल होकर गिर गया। सोनू बिठूर थाने के टॉप 10 अपराधियों में से एक है। उस पर बिठूर थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, NSA शस्त्र अधिनियम और NDPS समेत 18 मामले दर्ज हैं। थाने ने कल रात एक सराहनीय काम करते हुए सोनू शुक्ला उर्फ सोम नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये बिठूर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है और इसके ऊपर मर्डर, लूट, चोरी, NDPS, आर्म्स एक्ट सहित लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। और इस दौरान उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया और आत्मरक्षा में पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी, जिसमें वह गोली लगने से घायल हुआ और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर में शातिर सोनू गिरफ्तार हुआ तो वहीं लखनऊ में
कुख्यात गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई। लखनऊ में मतीन और देशराज गिरफ्तार। लखनऊ के उतराठिया रेलवे स्टेशन के पास रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में सीतापुर का गैंगस्टर मतीन घायल हो गया। वहीं मतीन के साथ मौजूद शाहजहांपुर निवासी देशराज उर्फ देवराज गौतम को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ये दोनों गैंगस्टर लूट की वारदात को अंजाम देने निकले थे, जिन्हें बीच में ही खाकी के कहर का सामना करना पड़ा। पुलिस को दोनों से बाइक और पिस्टल भी बरामद हुई है। कानपुर और लखनऊ की तरह ही मथुरा में भी खाकी गो तस्कर पर कहर बनकर टूटी। यहां छाता पुलिस ने मुठभेड़ में एक गो तस्कर को ढेर कर दिया है। मथुरा से बोलेरो पिकअप में गाय लाद कर ले जा रहे गो तस्करों की पुलिस से गांव दौताना के पास मुठभेड़ हो गई। मथुरा में गो तस्करों से मुठभेड़। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक गो तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई और दो घायल हो गए। बोलेरो पिकअप में 7 तस्कर सवार थे। पुलिस ने मौके से 6 गोवंश और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मथुरा से बोलेरो पिकअप में 7 गो तस्कर गाय लाद कर कोसी कला की तरफ जा रहे थे। तभी दौताना गांव पर पुलिस ने बोलेरो पिकअप को रोकने की कोशिश की, तभी गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 3 गो तस्करों को गोली लगी। सूचना थी कि कुछ जो क्रिमिनल्स हैं हरियाणा साइड के, वो लोग यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि केडी डेंटल के कॉलेज के पास में जो हमारा नाकाबंदी की कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पर कुछ बदमाशों ने, जो कि सफ़ेद बोलेरो पे सवार थे, उन्होंने नाका को तोड़ा और तोड़ने के बाद वो कोसी की तरफ बहुत तेज गति से भागे और वो फायर भी कर रहे थे। इस पर घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने पर जब उनको किसी तरीके से भागने का रास्ता नहीं बचा था, तो गाड़ी एक जगह उनकी फंस गई हाईवे पर और वहाँ से वो उतरकर पुलिस पर फायर करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें 3 बदमाश इनिशियली उनको चोटें आईं। पुलिस की चौतरफा कार्रवाई ने बड़े से बड़े शातिरों पर कहर बरपाया है। जो बदमाश खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उन्हें भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हाई अलर्ट। गुनाह की दुनिया कितनी बड़ी है, इसको बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आए दिन हर दिन आप देखते हैं कोई ना कोई नया पन्ना, कोई ना कोई नई कड़ी जुड़ ही जाती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, कम से कम अपने आसपास नजर तो रखें, समझने की कोशिश तो करें कि आखिर हो क्या रहा है। इसीलिए देखिए क्राइम डायरी। शामली में हुड़दंगियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 10 से 15 लोग एक बाइक सवार युवक को पीटते दिख रहे हैं। आरोपी बाइक सवार को बेल्ट और थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। बाइक सवार युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उनके हुड़दंग में शामिल नहीं हुआ और वहां से जाने लगा। इसके बाद सभी आरोपियों ने युवक को चारों तरफ से घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो पास के पेट्रोल पंप पर लगे CCTV में कैद हो गया। वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन हरकत में आया और वीडियो के आधार पर 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और बाकियों की तलाश की जा रही है। रंग वाले होली के दिन का वो जो जानकारी हमारे द्वारा की गई उसमें था, और वहाँ पे जो वीडियो फुटेज के आधार पे ही उन लोगों की पहचान की गई और उनमें से 9 आदमियों को चिन्हित किया गया और जिनको हमारे द्वारा 151 के अंदर उनको चालान किया गया और अभी वो जिला कारागार मुजफ्फरनगर में है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहाना कोतवाली पुलिस पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस के अनैतिक दबाव के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर कोर्ट ने आरोपी दरोगा सहित 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल मृतक युवक पर एक परिवार ने बेटी भगा ले जाने का केस दर्ज कराया था, लेकिन आरोपी युवक ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा था। इसके बाद भी चौकी इंचार्ज और 3 सिपाही आरोपी युवक पर लगातार लड़की बरामद करने का दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर ली। व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद मौके पर गए
जानकारी करने पर पता चला कि जो मृतक है वो एक 363-66 के मुकदमे में नामजद अभियुक्त थे।